ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक की जितनी भी वीडियो है उसमें हमने सबसे डिस्कस किया था वो एसिड के बारे में डिस्कस किया था। एसिड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। फिर हमने जो बेसिक मटेरियल होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और हमारे पास में जो थर्ड हमारे पास में जो केमिकल कंपाउंड्स है वो हमारे पास में कौन सा है, साल्ट। क्या होता है साल्ट? देखो, साल्ट क्या होता है, साल्ट इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन एन एसिड विद बेस। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्शन कराते हैं जब साल्ट और वाटर बनता है। तो साल्ट किससे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट। क्या बोलते हैं, साल्ट। जैसे हमारे पास में एक कॉमन एग्जांपल हो गया साल्ट का, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास में नमक होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो वो हमारे पास में एक साल्ट है। तो हमारे पास में जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे बनता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है, साल्ट। क्या बनता है, साल्ट। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्शन करा के कौन सा साल्ट प्राप्त किया, सोडियम क्लोराइड। कौन सा प्राप्त किया, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो साल्ट होता है, ठीक है, तो वो दो चीज़ों से बना होता है, एक तो एसिड से बना होता है, एक बेस से बना होता है। तो ये हमारे पास में जो साल्ट होता है तो उसके जो नाम होता है, ठीक है, तो उसका नाम होता है उसका दो उसके जो नाम होता है साल्ट के वो दो उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो साल्ट होता है उसका जो पहले वाला जो नाम होता है वो तो बेस मटेरियल आएगा और सेकेंड वाला पार्ट आएगा वो साल्ट का नाम किस कहाँ से प्राप्त होगा, एसिड से। किससे प्राप्त होगा, एसिड से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, बेस मटेरियल हो गया, और हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, ये एसिड हो गया। तो हमारे पास में जैसे ही वो साल्ट बनेगा तो साल्ट में सबसे पहले, जैसे साल्ट बनता है तो साल्ट में सबसे पहले किसका नाम आएगा, बेस का, उसके बाद में क्या आएगा, एसिड का। तो सबसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास में दो मटेरियल है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, बेसिक मटेरियल। तो और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या हो गया, बेसिक मटेरियल, और हमारे पास में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया क्या हो गया, एसिडिक मटेरियल। तो इनसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया, तो सबसे पहले बेस का नाम आ गया, तो इससे हमारे पास में जो एक नाम में आ गया सोडियम, और इनसे जो नाम निकल के आया गया वो कौन सा हो गया, क्लोराइड। कौन सा हो गया, क्लोराइड। तो ये देखो, यहाँ पर द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे जो साल्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। और द साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उनसे जो साल्ट निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट्स। उसके बाद में देखो, द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट। जो नाइट्रिक एसिड से जो साल्ट निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। उसके बाद में देखो, द साल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। जो साल्ट होते हैं जो कार्बोनिक एसिड से निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स। नाइट्रिक एसिड से निकलने वाले साल्ट को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड से निकलने वाले साल्ट को हम बोलते हैं सल्फेट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकलने वाले साल्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। उसके बाद में हमारे पास में देखो फिफ्थ, द साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट। एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उससे जो साल्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है वो साल्ट है, तो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड से जो हमारे पास में जो साल्ट निकला कौन सा निकला, क्लोराइड। कौन सा निकला, क्लोराइड। और सोडियम यहाँ से इसका पहले वाला नाम आ गया बेस का, और ये यहाँ पे क्लोराइड यहाँ से आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास में ये डिफरेंट टाइप के जो बेस मटेरियल्स है, ठीक है, एसिड है और साल्ट है, ये डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड हैं, इनके फॉर्मूलाज यहाँ पे दे रखे, जिसमें हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है, ये दोनों सेम ही मटेरियल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दो बार आ गए। उसके बाद में देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला क्या है, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो ये सारे के सारे कैसे मटेरियल है हमारे पास में, बेस मटेरियल है। और उसके बाद में देखो एसिड, देखो कौन से हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl,
सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, और उसके बाद में कार्बोनिक एसिड का क्या हो गया H2CO3। ये कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो आपको एक ही एक बार ही इनमें से एक एक को एक बार ही लिखना है। तो ये तो हो गए एसिड, ये हो गए बेस। और साल्ट देखो, साल्ट हमारे पास में NaCl, नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हो गए वो तो साल्ट के हो गए, और ये सारे सारे एग्जांपल किसके हो गए एसिड के हो गए, और ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए बेस के हो गए। अब हमारे पास में देखो कि व्हाट आर न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, देखो, दो साल्ट विच फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनको हम पानी में यदि घोलते हैं, ठीक है, तो पानी में घोलने से वहाँ उस सॉल्यूशन को वो न्यूट्रल बना देते हैं, तो उन साल्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। द साल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल साल्ट। कि जैसे हमारे पास में न्यूट्रल साल्ट किससे बनते हैं, और किनसे बनते हैं, जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो आपस में मिल जाते हैं, तो उनसे जो साल्ट बनता है वो कौन सा बनता है, न्यूट्रल साल्ट। जैसे तो दो एग्जांपल हो गए हमारे पास में न्यूट्रल साल्ट के, एक तो हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, एक हो गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब द सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल साल्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस। तो हमारे पास में जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं इनका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड साल्ट इन वाटर डज नॉट चेंज द कलर। जैसे हमारे पास में पानी होता है, पानी में हम नमक घोल देते हैं, तो नमक हमारे पास में साल्ट है, तो हमारे पास में पानी का कलर किसी प्रकार से चेंज नहीं रहेगा। तो ये कैसे होते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है लिटमस पे कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड देखो, एसिडिक साल्ट। तो ये साल्ट के तीन टाइप होते हैं, जिसमें हमारे पास में न्यूट्रल साल्ट को हमने डिस्कस कर लिया, और हमारे पास में सेकंड टाइप का जो साल्ट हो गया वो कौन सा हो गया, एसिडिक साल्ट। दो साल्ट विच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन और डिजोल्विंग इन वाटर। जो साल्ट जिनको हम पानी में घोलते हैं और यदि उस पानी को वो एसिडिक सॉल्यूशन बना देते हैं, उन साल्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। द साल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विथ ए वीक बेस। तो वी उसमें क्या हो रहा था, न्यूट्रल में साल्ट में तो क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग जो एसिड था उसको स्ट्रॉन्ग ही बेस से हम क्या करा रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, न्यू एसिडिक साल्ट में क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसको हम वीक बेसिस से हम क्या कराते, रिएक्शन कराते, तो उससे क्या बनता है, एसिडिक साल्ट। जैसे हमारे पास में जो एसिडिक साल्ट के एग्जांपल दो एग्जांपल हो गए, एक तो अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, एक कौन सा हो गया, अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4। ये इसके एग्जांपल हो गए, एक तो अमोनियम सल्फेट हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये इनके फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद में देखो, द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक साल्ट इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिडिक साल्ट तो क्या वो कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड का जो साल्ट है, ठीक है, यदि उसको हम पानी में मिलाएंगे तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसको ये एसिडिक साल्ट है, तो एसिडिक साल्ट क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब हमारे पास में थर्ड, हमारे पास में साल्ट का टाइप है वो कौन सा है, बेसिक साल्ट। देखो यहाँ पे, दो साल्ट विच फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। यदि हमारे पास में बेसिक साल्ट है, यदि उसको हम हमारे पास में बेसिक साल्ट तब बनेगा जब हमारे पास में जी यदि किसी साल्ट को यदि पानी में हम घोलते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो यदि बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है तो हमारे पास में उस साल्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट। द साल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस जो हमारे पास में जो बेसिक साल्ट कब बनेंगे, जब हमारे पास में जिस वीक एसिड को हम किससे रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, तब हमारे पास में कौन से साल्ट बनेंगे, बेसिक साल्ट। जैसे दो हमारे पास में एग्जांपल हो गए बेसिक साल्ट के, एक तो सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, एक हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, ये इसके दो एग्जांपल हो गए।
अब हमारे पास में इधर सॉल्यूशन वो बेसिक साल्ट हमारे पास में जिससे जो बेसिक साल्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, और एसिडिक साल्ट तो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, वो तो ब्लू को रेड कर रहे थे, ये रेड को ब्लू कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर टाइम्स रेड लिटमस, जैसे हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट हो गया, उसको हम पानी में जैसे हम घुलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा।